2024 पर जब भी रोमा रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत लेंगे उनके बाद वो उनके करियर की सबसे बेस्ट मोमेंट हो जाएगी। बट अभी तक अगर हम बात करें उनके करियर की बेस्ट मोमेंट क्या होने वाली है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं हरमन, चलिए वीडियो में चलते हैं। तो आज से 10 या 15 साल बाद जब भी रोमन रेंस जो कि वो हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होने वाले होंगे, तब रोमन रेंस जो कि बेस्ट करियर मोमेंट होगी उनकी, उसके बारे में बात की जाएगी। तो मेरे हिसाब से जो कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप होगी वो आज तक के उनके सबसे बेस्ट जो कि है मोमेंट्स में आ जाएगी। बट अगर हम बात करें प्रीवियसली, अगर मान लो कल रोमन रेंस को हॉल ऑफ फेम का अवार्ड मिलना है, तो उसमें से कौन सा सबसे बेस्ट मोमेंट रहेगी, तो सबसे पहले मैं तो चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में आप बताओ मुझे क्या हो सकती है, और अच्छी तरह एक्सप्लेन करना क्या कारण है उसके पीछे। अब जो है मैं अपने वाली एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे हिसाब से अंडरटेकर को हराने वाली जो कि मोमेंट थी रेसलमेनिया 33 पर, वो रोमन रेंस के लिए सबसे बड़ा को जो कि करियर का था स्टेप मोमेंट था। बट अगर हम बात करें तो ये किस तरीके से WWE ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जो भी अंडरटेकर के फैंस थे वो रोमन रेंस को हेट करने लग गए थे, और इसी के चलते चलते रोमन रेंस जो कि थे वो बड़े बड़े स्टार्स जैसे कि अंडरटेकर, द रॉक, इनके फैंस की नजरों में आने लग गए थे। ताकि पहले भी व्यू थे, बट जो कि ओकेजनल जो कि रेसलिंग देखने वाले होते हैं सिर्फ रेसलमेनिया पे, उनकी नजरों में जो कि है रोमन रेंस आने लग गए थे। इस वजह से WWE जो है बार बार उन्हें मेन इवेंट पर पुश कर रही थी। बट अंडरटेकर के आने के बाद उनके फेसबुक के लाइक इतने ज्यादा बढ़े और उनको हेटिंग भी मिलनी बहुत शुरू हुई। यानी कि 2017 जो कि ओवरऑल करियर उनका था काफी ज्यादा अच्छा रहा था, बट उसमें उन्हें हेट बहुत ज्यादा मिली थी, जिस वजह से एक ड्रॉबैक जरूर आता है। बट इस टाइम में आकर रोमन रेंस जो कि काफी ज्यादा फेमस हो गए थे, हालांकि इतना वो WWE चैंपियनशिप जीतने तक भी नहीं हुए थे जितना वो अब हो गए थे। तो मेरे हिसाब से अभी तक उनके करियर की मोमेंट सबसे बड़ी ये रही, जैसे कि जॉन सीना का अपना डेब्यू डे रहा था और रैंडी ओटन का एवोल्यूशन के ऊपर टर्न करना, उसी तरीके से बिल्कुल रोमन रेंस का जो कि है अंडरटेकर को हराना रहा था। चाहे वो मोमेंट बहुत सारे रेसलर्स के फैंस को अपसेट कर रही थी WWE के बड़े बड़े वाले, बट अगर हम बात करें तो उसके लिए रोमन रेंस के अगर नजरिए से देखें तो वहां पर WWE ने बहुत बड़ा स्टार बना दिया था फ्यूचर के लिए। तो बताओ यार कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, यहां तक वीडियो देखी ले तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं हरमन।